जम्मू संभाग के सरकारी स्कूल के इस पेज पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं करिश्मा रैना से, परीक्षा पे चर्चा, यह है आज का विषय। प्यारे साथियों, मैं थोड़ा इंतजार करूंगा ताकि कुछ लोग जुड़ जाएं और वो इस लाइव टेलीकास्ट को खूब शेयर करें ताकि हमारे बच्चों को और अध्यापकों को मार्गदर्शन मिल सके। हालांकि इस बार अध्यापक, बच्चे और उनके साथ साथ अभिभावक भी हिस्सेदारी कर पाएंगे इस परीक्षा पे चर्चा पे। प्यारे साथियों, 11 लोग इस वक्त तक जुड़ चुके हैं। मैं सबसे विनती करूंगा कि इस लाइव सेशन को खूब शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक, अध्यापकों तक और अभिभावकों तक हमारा ये लाइव वीडियो पहुंच सके और लाभ हो पाए। एक खास उद्देश्य के साथ आज लाइव आकर हम 3 लोग परीक्षा पे चर्चा पे बातचीत करने वाले। 2-3 मिनट हम इंतजार करेंगे ताकि इस वीडियो को, लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग मिल जाए। प्यारे साथियों, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों, अध्यापकों और अभिभावकों तक यह वीडियो पहुंच पाए और उनको लाभ हो पाए। जी, तो शुरू करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, मैं सुरजीत सिंह, मेरे साथ है करिश्मा रैना, एक स्टूडेंट है, और मेरे साथ है मेरे सहयोगी, मेरे सहकर्मी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी। आपको बता दें कि डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा काउंसलिंग सेल, गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेल के मेंबर हैं, मैं कल्चरल सेल का मेंबर हूं, और करिश्मा रैना एक स्टूडेंट है। कल्चरल सेल और काउंसलिंग सेल परीक्षा पे चर्चा की देख रेख कर रहे हैं इस वक्त, उसको पब्लिसिटी दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर सुरेंद्र जी रोशनी डालेंगे किस प्रकार उसमें भाग लिया जा सकता है, और करिश्मा रैना अपने कुछ तजर्बे आज हम सबसे साझा करेंगे, क्योंकि पिछले वर्ष परीक्षा पे चर्चा में ना केवल उन्होंने भाग लिया था बल्कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से 1-to-1 बातचीत भी की थी। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए करिश्मा रैना की पहचान मैंने आपसे करवाई है। मैं फिर से विनती करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे, ज्यादा से ज्यादा अध्यापक और अभिभावक भी ये जान पाए कि इस बार किस प्रकार की गतिविधियां हैं और किस प्रकार परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेना है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत का मौका किस प्रकार मिल सकता है इस बार। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा करिश्मा रैना का, जो मेहमान है, और मेरे सहयोगी डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी का। और पहला मेरा प्रश्न रहेगा करिश्मा रैना से, उन्होंने पिछले बार परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लिया था, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की थी दिल्ली जाकर, अलग अलग आयामों से चढ़ते हुए, अलग अलग परीक्षाओं से गुजरते हुए वो इस मुकाम पर पहुंची थी। मैं चाहूंगा कि पहला स्टेप क्या था वो करिश्मा रैना आज हम सबसे साझा करें, पहला स्टेप क्या था परीक्षा पे चर्चा का जहां इनकी सिलेक्शन हुई थी, पहले स्टेप करिश्मा रैना। यस सर, थैंक यू, मुझे आपने मौका दिया आज बोलने का इस विषय पे, आई एम रियली ऑनर्ड। तो सर, सबसे पहले तो इसमें एक हमारा तो ऐसे कंपटीशन हुआ था जो MyGov की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऐसे कंपटीशन था जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना था, और 5 टॉपिक्स थे उसमें, आपको किसी एक टॉपिक पे ऐसे लिखना था और एक क्वेश्चन पुट करना था PM को जो आप पूछना चाहते हैं उनसे, तो वो एक बेसिस था सिलेक्शन का, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है।
तो उसमें आपकी सिलेक्शन हुई थी पहले चरण में, पर इस बार इसको और ब्रॉड कर दिया गया है और विस्तृत कर दिया गया है। तो मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी से चाहूंगा, एक विनती करूंगा कि वे सारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, कि इस बार किस तरह ये प्रतियोगिता या ये हिस्सा लेना है, कि ये गतिविधि है किस प्रकार ये डिफरेंट है, और इसमें पिछली बार तो स्टूडेंट्स ही थे, इस बार किस प्रकार टीचर्स और अभिभावक पेरेंट्स किस प्रकार हिस्सा ले सकते हैं, और क्या क्या रास्ते हैं वहां तक पहुंचने के। जैसे पिछली बार सिर्फ ऐसे राइटिंग थी अगर, और प्रश्न था, इस बार क्या क्या है डॉक्टर सुरेंद्र जी? नमस्कार सभी श्रोताओं को जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे बड़े अजीज और कल्चरल सेल के जो हेड हैं हमारे सुजीत सर। थैंक यू, आपने इस चर्चा में मुझे इनवाइट किया है। ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक विषय है जो हम आज आप सबके साथ यहाँ पे साझा करने वाले हैं, परीक्षा पे चर्चा और 2021। करिश्मा हमारे साथ है, इन्होंने फेस टू फेस इसको एक्सपीरियंस किया है, लाइव एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, और ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कैसे बच्चे इनसे सीख सकते हैं। तो पहले क्या होता था कि बच्चे जो सिलेक्ट होते थे वो डायरेक्ट जाते थे दिल्ली में, और फेस टू फेस इंटरेक्शन होती थी। ये इस बार चेंज हुआ है कोविड की वजह से या अन्य कारणों से। इस बार इंटरेक्शन जो है वो वर्चुअल इंटरेक्शन कर दी गई है, और इसका एक और इसमें एडिशन जो हुई है, पहले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करते थे, इस बार पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 2000 की जो उन्होंने कंडीशन रखी है कि 2000 पार्टिसिपेंट्स होंगे, उसको 1500 उसमें बच्चे हैं, 250 टीचर्स हैं और 250 जो है वो पेरेंट्स हैं। सिलेक्शन का माध्यम अभी भी मोर और लेस सेम ही रहा है, जिसमें कंपटीशन रहेगा बच्चों का, और उसमें डिफरेंट थीम्स पे उन्होंने अपने उसमें पार्टिसिपेट करना है, जिसकी डेट्स जो है 18 फरवरी से जो स्टार्ट हुआ है और 14 मार्च तक ये चलेगा। और थीम में बच्चों के लिए 5 हैं, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए अलग अलग एक एक दो दो थीम्स हैं। तो इस बार सब जो बच्चे हैं जब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसके डायरेक्टली आप अगर कल से डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की जो वेबसाइट है SCHEDUJAMMU.NIC.IN के ऊपर भी आपको डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा। वहां पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आज अगर आप इमिडिएटली अगर आप इसको अटेंड करने के बाद चाहेंगे कि हम अभी से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है MyGOV.IN पे जाके भी आप इसको सीधा डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वहां पे परीक्षा पे चर्चा 2021 भी है। अगर वहां भी नहीं आप जाना चाहते तो लाइव इसको innovate.india.MyGOV.IN/PPC यानी परीक्षा पे चर्चा -2021/ में करेंगे तो डायरेक्टली परीक्षा पे चर्चा में आप पहुंच जाएंगे, और वहां को एक बटन मिलेगा ब्लैक कलर का जिसपे लिखा होगा पार्टिसिपेट नाउ, उसको क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शंस जो है वो ओपन हो जाएंगे। वहां पे लॉगिन आएगा फॉर स्टूडेंट्स, लॉगिन फॉर टीचर्स एंड लॉगिन फॉर पेरेंट्स। तो जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब इसमें पार्टिसिपेट, मैं स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो कौन से स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, उनकी क्लासेस होंगी 9th से लेके 12th तक। 9th से लेके 12th तक के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। उनसे जो बिलो स्टैंडर्ड्स हैं बच्चों के क्लासेस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। ये एक रूल है जो हर साल बनता है कि ऐसा बच्चा
जो हायर बींग का बच्चा है या स्टूडेंट है वही इसमें पार्टिसिपेट कर पाता है। दूसरा, इसमें रिवार्ड्स हैं, कुछ उन्होंने प्राइजेस रखे हैं। आप जब इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे, जब आप पार्टिसिपेट कर लेंगे, जो भी इसकी थीम्स है मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा, उन थीम्स में जब आप अपनी एंट्री जो है वो सबमिट करेंगे 14th मार्च से पहले पहले, फिर उसका एक प्रोसेस है, वो डिफरेंट स्टेजेस से होके गुजरता है, उसका रिजल्ट निकलता है। रिजल्ट के बाद उस ये जो 14th मार्च है, यहां तक आप अपने क्वेश्चन भी सबमिट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली 500 वर्ड्स के, 500 कैरेक्टर रादर, लफ्जों को अगर आप मैं शब्दों के जो चिन्ह है उनकी बात करूं तो 500 कैरेक्टर की बात हुई है कि 500 कैरेक्टर का क्वेश्चन जो है वो भी आप सबमिट कर सकते हैं, ताकि जब आपकी सिलेक्शन होगी, कुछ लोग इसमें 2000 जैसे मैंने बोला है 2000 सब पार्टिसिपेंट्स होंगे और कुछ उसमें से चुने जाएंगे जो डायरेक्टली क्वेश्चन पुट करेंगे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात करने के लिए, अपनी क्वेरीज पुट करने के लिए। तो डिटेल्स अगर मैं बात करूं तो इसकी कुछ थीम्स हैं, जैसे बच्चों की 5 थीम्स हैं। सबसे पहली थीम है एग्जाम्स आर लाइक फेस्टिवल्स, सेलिब्रेट देम। हिंदी में अगर इसका मैं इसको बोलूं तो है, परीक्षाएं त्योहारों की तरह हैं, उनका उत्सव मनाएं। अब इसमें करना क्या है, इसमें बच्चे ने जो 9th से 12th का बच्चा है वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए डिपिक्ट करेगा, मतलब इसमें आर्ट है, इसमें आपने लिखना नहीं है। इसमें लिखा है ड्रॉ ए सीन डिपिक्टिंग अ फेस्टिवल अराउंड योर फेवरेट सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट आपका होगा कि आप कौन से विषय के ऊपर, ये 4GB कंडीशन है कि 4GB का एक पेंटिंग बना के आपने सबमिट करनी है इसी पोर्टल के ऊपर जब आप रजिस्टर कर लेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस है रजिस्टर करने का, जब तक आप रजिस्टर नहीं करते हैं तब तक आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। तो जो हमारे साथ आज यहाँ पे इस सेशन में, इस आज की वार्ता में जुड़े हैं, मेरा उन सब से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इनकरेज करें कि इसमें वो अपने आप को रजिस्टर कराएं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो 14th मार्च तक है, और अगर रजिस्टर आज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कौन सी 5 थीम्स में से एक थीम को चुनके उसमें पार्टिसिपेट करने वाला हूं। दूसरी इसमें थीम है इंडिया इज इनक्रेडिबल, ट्रेवल एंड एक्सप्लोर। जिस अगर हिंदी में बोले तो भारत अतुल्य व अद्वित है, यात्रा करें और पता लगाएं। अब इसको कैसे करना है, इमेजिन योर फ्रेंड कि आपका दोस्त जो है आपका, विजिट योर सिटी फॉर 3 डेज, 3 दिन के लिए आपने आपका दोस्त आपके शहर में आया। व्हाट मेमोरीज वुड यू क्रिएट फॉर हिम और हर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब इसको 3 कैटेगरी में आगे डिवाइड किया हुआ है, जैसे उन्होंने कौन सी प्लेसेस देखी जब वो आपके शहर में आए। आप जम्मू के बारे में लिख सकते हैं, उधमपुर के बारे में लिख सकते हैं, कठुआ के बारे में लिख सकते हैं, हमारी जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन किसी शहर को भी आप चुन सकते हैं, कश्मीर को चुन सकते हैं। आपके मन में कोई भी ऐसा विचार आ रहा है कि मैं वहां गया था और वो प्लेसेस, लेकिन इसमें आपने अपने फ्रेंड को इन्वॉल्व करना है जर्नी के अंदर कि मेरा दोस्त आया और हमने मिलके इन जगहों को। तो क्योंकि 1500 वर्ड्स हैं, तो 1500 वर्ड्स में से 500 वर्ड्स हैं कि कौन सी प्लेसेस आपने देखी, 500 वर्ड्स हैं कि फूड कौन सा आपने रेलिश किया, कौन सा उसमें चखा, उन दौरान 3 दिनों के दौरान कहाँ कहाँ आप घूमे, क्या आपने खाया, ये और 500 वर्ड्स हैं एक्सपीरियंस टू रिमेम्बर कि यादगार अनुभव क्या रहा आपका इन 3 दिनों के दौरान जब आपके मित्र ने, आपके दोस्त ने आपके शहर का दौरा किया। तो ये दो आपकी थीम्स रही। तीसरी थीम है एज वन जर्नी एंड्स अनदर बिगिंस। तो तीसरी थीम इसमें है कि एक यात्रा खत्म होते ही दूसरी की शुरुआत होती है। ये तीसरी थीम है बच्चों के लिए कि वो इस तीसरी थीम के साथ जुड़ के इसमें अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है
कि डिस्क्राइब द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ योर स्कूल लाइफ इन नॉट मोर देन 1500 कैरेक्टर्स. स्कूल लाइफ, आपके जो विद्यालय का, आपके जो स्कूल का अनुभव है, उसको 1500 शब्दों में आपने इसको दर्शाना है और ये सबमिट करना है अगर आप इस थीम को चूज करते हैं तो. इन सभी थीम्स में से आप एक ही थीम को चूज कर सकते हैं, डिफरेंट थीम्स में से जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं. तो नंबर 4 है, एस्पायर नॉट टू बी बट टू डू. अगर हिंदी में मैं इसको बताऊं तो कुछ बनने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की आकांक्षा. तो सबसे पहले तो मैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बधाई दूंगा कि इतने अच्छे थीम उन्होंने चुने हैं कि बच्चे जब इसके ऊपर लिखेंगे तो उनका जो विजन है वो और भी ब्रॉड होगा. तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा 9th से 12th तक के जो हमारे बच्चे हैं कि वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे. बीच में एक सवाल हमारे सर ने पूछा है, स्वर्ण सिंह सर हैं, इन्होंने पूछा है कि व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स हु लिव इन रिमोटेस्ट एरियाज लाइक बसंतगढ़, पंचेरी एक्सेट्रा, देर इज नो नेट फैसिलिटीज अवेलेबल, नोज वेल प्लीज. हाँ, इन्होंने कहा है कि सर, नहीं सर, ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि मैं रामनगर के अंदर पढ़ा के आया हूँ और मुझे पता है कि सिचुएशन क्या है. दिस इज नॉट स्पेसिफिक टू पंचेरी बसंतगढ़. अगर हम पुंछ की तरफ जाएंगे वहां तो नेटवर्क ही नहीं है. सुरिंदर सर थोड़ा सा करिश्मा का तजर्बा ले लेते हैं फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे और नए प्रश्न भी आएंगे इस दौरान. मैं साथियों से विनती करूंगा कि और भी प्रश्न ड्राप करें. बहुत अच्छा लगा स्वर्ण सिंह कोहस्तानी जी ने, ये बेसिकली बसंतगढ़ के रहने वाले हैं और इससे ये भी हमें लग रहा है कि अलग अलग एरियाज के लोग जुड़ चुके हैं. तो कोशिश करिए प्यारे साथियों कि और लोग जुड़ सकें, अलग अलग एरियाज के लोग जुड़ सकें. शेयर करते रहिए इसे और अपने प्रश्न, जो भी आप प्रश्न इस परीक्षा पे चर्चा नाम के कार्यक्रम के लिए पूछना चाहते हैं वो ड्राप करते रहिए और वो प्रश्न हम लेते रहेंगे, वो सुरेंद्र सर जवाब देंगे. डॉक्टर सुरेंद्र और कृष्णा जी से जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, इनका तजर्बा कैसा रहा था, वो प्रश्न भी आप ड्राप करते रहिए, उसके उत्तर कृष्णा जी देंगी. अभी अगला मैं कृष्णा जी से तजर्बा शेयर करवाना चाहूंगा सबसे. तो आपने एस्से लिखा था, किस विषय पर एस्से लिखा था और किस प्रकार का एस्से था? कोई 2 मिनट में आपने एस्से का टॉपिक बताना है आपने और थोड़ा सा सब्जेक्ट उसका आपने बताना है, कौन सा एस्से था, किस टॉपिक पे एस्से था. कृष्णा जी. जी सर, जो मेरा एस्से था वो आइडियल एजुकेशन सिस्टम के ऊपर था कि किस तरह से एक आइडियल एजुकेशन सिस्टम जो है इंडिया का होना चाहिए. तो उसमें मैंने ये सब चीजें बताई थी कि एजुकेशन सिस्टम जैसे अभी का है उससे जो बच्चे हैं उनका क्रामिंग की तरफ ध्यान ज्यादा जाता है ना कि लर्निंग की तरफ. तो इस चीज को इराडिकेट करना चाहिए. तो ये कुछ मेरे हाईलाइट किए थे मैंने अपने पॉइंट्स कि बच्चों को क्रामिंग नहीं करनी चाहिए, उनको लर्निंग करनी चाहिए. कुछ इस तरह का एजुकेशन सिस्टम हमारा होना चाहिए इंडिया में. तो ये सब चीजें मैंने उसमें मेंशन की. आपके स्कूल की प्रिंसिपल महोदया भी हमसे जुड़ चुकी हैं और वे कह रही हैं कि ग्रेट स्टेप, नवाबाद की प्रिंसिपल महोदया. तो कृष्णा जैसे महान बच्चे जिस स्कूल में हैं वो स्कूल भी खुशकिस्मत है, और बल्कि हम जम्मू के हर स्कूल के लोग ये समझते हैं कि जम्मू की एक बेटी जो नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करके आई है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से. तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहा आपका? पहली बार आपकी सिलेक्शन जब हुई उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था? सर, सिलेक्शन के बाद तो यही प्रोसीजर वगैरह रहा कि किस तरह आगे फर्दर प्रोसीडिंग्स वगैरह होगी. तो उसके बाद जब दिल्ली पहुंचे तब तक पता नहीं था कि ऐसा क्वेश्चन के लिए मुझे सिलेक्ट किया गया है. तो ये इसी तरह तैयारी थी कि पार्टिसिपेट किया है और सिलेक्शन हुआ है तो अटेंड करना है ये प्रोग्राम और कुछ सीखना है इससे. और क्योंकि अपने एग्जामिनेशन आने वाले हैं तो इन सब चीजों से कुछ सीखने के लिए हम गए थे. पर वहां पे पता चला कि ऐसे मेरा क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ है तो मुझे क्वेश्चन पूछना है. तो नेक्स्ट जो मेरा स्टेप था वो यही था कि ये इन सब चीजों की तैयारी. कृष्णा आप मिस कर रही हैं स्टेप को क्योंकि आप अकेली दिल्ली नहीं गई थी.
पहला स्टेप था कि आप कुछ बच्चे सिलेक्ट किए गए, उसके बाद दूसरा स्टेप था कि आप अकेली सिलेक्ट हुई प्रधानमंत्री से बात करने के लिए। तो पहले स्टेप के बारे में बताएं अभी, क्योंकि पहला स्टेप जिसमें आप कुछ बच्चे, कौन कौन बच्चे थे, कितने बच्चे थे, ठीक है ना, वो वाला स्टेप आपका। ठीक है सर, टोटल 8 स्टूडेंट्स थे जो जम्मू से सिलेक्ट हुए थे, डिफरेंट डिविजन जो एरियाज जो जम्मू के वहाँ से बच्चे सिलेक्ट हुए थे, तो हम टोटल 8 बच्चे थे और मेरे स्कूल से 2 बच्चे हम सिलेक्ट हुए थे और बाकी भी बहुत सारे स्कूल से हम बच्चे सिलेक्ट हुए थे जम्मू से, टोटल 8 बच्चे थे जो सिलेक्ट हुए थे। मैंने सियाफ किया था आपको? यस सर। तो उसके बाद नेक्स्ट आपकी बात लेंगे, उससे पहले प्रश्न ले लेते हैं स्वर्ण सिंह कोस्तानी जी का। डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस क्वेरी के बारे में। स्वर्ण सिंह कोस्तानी पूछ रहे हैं कि उन बच्चों के बारे में आप क्या राय देते हैं जो रिमोटेस्ट एरिया में रहते हैं, और आप समझते हैं ऐसे एरिया जम्मू में कितने ज्यादा हैं जहाँ नेटवर्क की फैसिलिटी उस तरह की नहीं है या जानकारी नहीं है, उनके लिए आपकी क्या राय रहेगी? ये स्वर्ण सिंह कोस्तानी जी का प्रश्न मैं स्क्रीन पे ला रहा हूं। जी सर, जरूर। इसमें सर वेरी स्पेसिफिकली ये मेंशन किया हुआ है कि ऐसे एरियाज, ऐसे बच्चे जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है, जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है, जिनके पास ईमेल आईडी नहीं है, वो अपने टीचर्स की सहायता लेंगे। इसमें ऑप्शन है, जब आप रजिस्टर करने जाएंगे उसमें ऑप्शन आता है कि मैं रजिस्टर करूंगा थ्रू टीचर, या जैसे टीचर के लॉगिन के साथ बच्चा पार्टिसिपेट करने जा रहा है, तो वो एक ऑप्शन है कि बच्चा पहले, जब ये इंफॉर्मेशन बच्चे तक पहुंचे, मैं तो ये चाहूंगा कि हमारे स्कूल्स के जो हेड्स हैं, HOIs हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और सभी टीचर साहिबान से भी मेरी विनती है कि पहले अपने बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। अभी कल से 1 मार्च हो जाएगा और मुझे लगता नहीं है कि अभी तक ये इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों तक पहुंची होगी, तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले बच्चों को इन्फॉर्म करें कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सक्सेस। जैसे हमारे सामने, हमारे साथ आज करिश्मा है, करिश्मा ने वो लास्ट जो इसकी फीट थी वो टच की और उसको अचीव किया और हमारे लिए एक एग्जाम्पल बन के आज हमें एक एम्बेसडर बन के हमारे साथ है, तो मैं सभी बच्चों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरा इसके साथ ये भी है कि अगर आप अपनी एंट्री सबमिट करता है, कोई भी बच्चा एंट्री सबमिट करता है, ये एक्सपेक्ट ना करें कि जरूरी मैं जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से बात ही करूंगा तभी मैं इसमें रजिस्टर हूं। जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलेगा 100%। ये उन बीच में लिखा हुआ है रूल्स के और रेगुलेशंस के अंदर है कि जब आप अपनी एंट्री सबमिट कर देते हैं, चाहे वो 2000 बच्चों के लिए सिलेक्शन में आपका नंबर आए या नहीं आए, लेकिन आपकी एंट्री को वैलिड, जो उन्होंने कहा हुआ है कि एक ही एंट्री देनी है उन 5 थीमों में से जो मैं अभी बता रहा था, एक एंट्री होगी, वर्ड लिमिट को ध्यान में रखना है और वो प्रॉपरली आपका लॉगिन हो जाना चाहिए। ये सब फॉर्मेलिटीज होने के बाद वो करेक्टर लिमिट जो है 1500 की, जब 4GB की लिमिट जो है कि आप 4GB का ही उसमें एक अपना अपलोड कर पाएंगे डॉक्यूमेंट, अगर इन फॉर्मेलिटीज को आप पूरा कर ले हैं तो समझ लीजिए कि मिनिमम आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाएगा, वो अपने आप में भी एक अचीवमेंट है ही। तो ये जो सर ने सवाल पूछा था, स्वर्ण सर ने, उनका यही जवाब है कि अपने टीचर से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें। हर टीचर के पास मोबाइल है, हर टीचर जो है नेटवर्क को खुद ढूंढ लेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये आप उसको उसके ऊपर छोड़ दे, टीचर जिम्मेदारी लेगा कि वो अपने स्टूडेंट्स को कैसे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर पार्टिसिपेट कराएगा, परीक्षा पे चर्चा 2021 में वो इंश्योर करेगा कि मेरे स्कूल का स्टूडेंट जो है 9th, 10th, 11th, 12th का बच्चा, कोई भी ऐसा जो पार्टिसिपेट करना चाहता है, जो डिजर्विंग है, वो रहना जाए, मैं उसको जरूर अपना एक हेल्पिंग हैंड जो है वो एक्सटेंड करूंगा और बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा। मैं थीम्स की सर बात कर रहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उसको कंटिन्यू करूं। जी, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू करिए सर। सर तो सर इसमें हमारी जो थीम्स थी जो हमने अभी बात की है, इसमें 4th थीम है, एस्पायर नॉट
टू बी बट टू डू, यानी कुछ बनने की नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने की आकांक्षा। इसमें भी जो है, यदि ये करना क्या है, इसमें लिखना क्या है, इफ देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन रिसोर्सिस और अपॉर्चुनिटीज, वॉट वुड यू डू फॉर सोसाइटी एंड वाई। जैसे अभी हमारे ऊपर एक आपदा आन पड़ी, COVID-19 पैंडेमिक हमारे बीच सडनली एब्रप्टली आ पड़ा और हम सब अपने घरों में बंद हो गए। तो ऐसी आपदा, अगर ऐसी कोई आपदा आ जाती है तो हम अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे, इसके ऊपर ये थीम है, एस्पायर नॉट टू बी व्हाट टू डू। तो ये 1500 वर्ड्स का ये थीम है, भी बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट करके अपने इस थीम के अंडर पार्टिसिपेट कर पाएगा। और फिफ्थ जो है वो है बी ग्रेटफुल, फिफ्थ थीम जो है जिसमें बच्चा लिख सकता है, जिसकी एक्टिविटी रहेगी राइट ग्रेटिट्यूड कार्ड्स। ग्रेटिट्यूड अपने पेरेंट्स को हो सकता है, अपनी सोसाइटी को हो सकता है, इमिडिएटली अपना अपने गुरु को हो सकता है, अपने टीचर्स के लिए हो सकता है, कोई भी आप जिसको आपको फील होता है कि मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं, बच्चा उनके ऊपर ग्रेटिट्यूड कार्ड बना सकता है। और ये कार्ड, ये 500 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा, 500 कैरेक्टर। तो दिस इज ऑल अबाउट 5 जो है जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आगे सर, पेरेंट्स के लिए 2 थीम्स हैं जिसमें लिखा है, सबसे पहली थीम है योर वर्ड्स मेक योर चाइल्ड्स वर्ल्ड, एनकरेज एज यू हैव ऑलवेज डन। आपकी सराहना से आपके बच्चे का जीवन संवरता है, हमेशा की तरह उन्हें प्रोत्साहित करें। तो ये थीम है पेरेंट्स के लिए, कि इसके ऊपर वो एक्टिविटी जो है कि राइट ए स्टोरी अबाउट द विजन यू शेयर विद योर चाइल्ड फॉर हिज और हर फ्यूचर। आप क्या सोचते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर या विजन कैसा होना चाहिए। लेट योर चाइल्ड राइट द फर्स्ट सेंटेंस, आप उसमें मदद करें कि आपका बच्चा जो है वो पहला सेंटेंस लिखे, देन यू राइट द नेक्स्ट एंड सो ऑन। और इसकी लिमिट भी 1500 वर्ड्स है। सेकंड जो है जिसमें पेरेंट्स सेकंड थीम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे वो है बी योर चाइल्ड्स फ्रेंड, कीप डिप्रेशन अवे। सबसे बड़ा जब हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से परीक्षा पे चर्चा एक बड़ा पॉपुलर इवेंट बन जाता है फरवरी मार्च के महीने में, उसके पीछे रीजन यही है कि पूरा साल बच्चे जो पढ़ाई करते हैं एज पर एकेडमिक कैलेंडर जो इशू हुए हैं करिकुलम के हिसाब से, और लास्ट में आते आते पूरी तैयारी के बाद भी उनके मन में हजारों तरह के डाउट्स होते हैं, हजारों तरह की परेशानियां, एंग्जियसनेस, एंजाइटी लेकर वो बच्चे एग्जाम के अंदर जाते हैं। उस डिप्रेशन को दूर करना है, उस एंजाइटी को दूर करना है, उस स्ट्रेस को बस्ट करने के लिए ही ये परीक्षा चर्चा हर साल कॉन्टेस्ट के रूप में यहाँ पे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि बच्चे को ऐसा फील हो कि ये खेल है और मैं खेलते खेलते एग्जाम को पार कर लूंगा, ना कि मुझे कुछ इसमें ऐसा फील हो कि जिसकी वजह से मेरी जो स्ट्रेस है वो मेरे पे हावी हो और कुछ ऐसा अटेम्प्ट बच्चे जो है वो ना करें। तो उनकी स्ट्रेस को दूर करना है सबसे इसमें बड़ा रीजन है इसके पीछे जो ये परीक्षा पे चर्चा होती है। तो दूसरा जो था वो बी योर चाइल्ड फ्रेंड कीप डिप्रेशन अवे, इसमें क्या करना है पेरेंट्स ने जो एक्टिविटी है, अब मैं एक्टिविटी इसलिए बोल रहा हूं कि हर थीम के साथ एक्टिविटी मेंशन की गई है, हर एक में आपने लिखना नहीं है। जैसे मैंने कुछ कहीं पे बताया, कहीं पे आपने कार्ड बनाना है, कहीं पे आपने स्टोरी लिखनी है, कहीं पे आपने पेंटिंग करनी है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज है अकॉर्डिंगली मैं बता रहा हूँ। और ये सारी डिटेल मैंने जैसे बताया स्कूल एजुकेशन जम्मू की जो साइट है schedujammu.nic.in के ऊपर कल से आपको अवेलेबल मिलेगी, mygov.in के ऊपर परीक्षा पे चर्चा बड़े बोल्ड अक्षर्स में उसको क्लिक करेंगे वहां पे डिटेल आएगी। और स्पेसिफिकली innovateindia.mygov.in
ओब्लिक पीपीसी डैश 2021 ओब्लिक के अंदर भी ये डिटेल्स आपको मिलेंगी। बारीकी में पूरी डिटेल है, इसकी डेट्स मैंने बता दी हैं 18 फरवरी से लेके 14 मार्च तक। तो दूसरे में पोस्ट कार्ड बनाने हैं, राइट ए पोस्ट कार्ड टू योर चाइल्ड एंड लेट हिम और हर नो व्हाई दे आर स्पेशल, क्यों हमारा बच्चा जो है वो स्पेशल है उसके बारे में पेरेंट्स लिख सकते हैं, जो दूसरी उनकी थीम है। टीचर्स की अगर मैं बात करूं, उनके लिए भी ये कंपटीशन जो है वो ओपन है, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इट्स बेनिफिट्स एंड हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर। ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम हमने देखा कि कैसे हमारे लिए एक ढाल बन के उभरा है ड्यूरिंग कोविड डेज। हम सब डिपार्टमेंट के लोग शुक्रगुजार हैं हमारी डायरेक्टर साहिबा के, मैडम अनुराधा गुप्ता जी, जिन्होंने इस कोविड के दिनों में इतने सारे इनिशिएटिव लिए और पूरे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, चाहे वो बच्चे थे, चाहे वो टीचर्स थे, चाहे वो पेरेंट्स थे, सब स्टेक होल्डर्स को बांध के रखा, उनकी स्ट्रेस को बस्ट किया। तो हम सब, मैं हमारे स्कूल एजुकेशन के सभी स्टेक होल्डर्स के बिहाफ पे मैम को हर बार जब भी मौका मिलता है उनको थैंक्स करता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज के रूप में कोविड हमारे पास आया है, जिसकी वजह से आज हर एक टीचर, हमारा वो टीचर जिसको मोबाइल का इतनी जानकारी नहीं था, वो आज टेक से भी हो गया है। इतने सारे वेबिनार्स हमने कंडक्ट किए, इतनी सारी ऑनलाइन क्लासेस हमने कंडक्ट की, इतने सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे पास आज स्टॉक में हो गए हैं कि हमें आज चिंता की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास अपनी खुद की सेल ऐप है हमारे डायरेक्टोरेट की, फिर डायरेक्टोरेट का हमारे पास एजुकेशन हब है जिसके थ्रू हम अब लाइव क्लासेस जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई आपका ऐसा सिलेबस का पार्ट है जो आज तक कवर नहीं हुआ है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम लाइव क्लास के जरिए हमारे पास जो बेस्ट टीचर्स हैं पूरे डिवीजन के, उनको पार्टिसिपेट इन्वाइट करके आपकी क्लासेस कंडक्ट करवा रहे हैं। तो टीचर्स का ये जो इसमें मैंने बताया, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम इट्स बेनिफिट्स एंड कैन बी इम्प्रूव्ड, इसके ऊपर क्रिएटिव राइट अप देना है 1500 कैरेक्टर का टीचर्स ने। तो दिस इज ऑल अबाउट थीम्स जो है टीचर्स की, पेरेंट्स की और बच्चों की, जो इनमें से वो चुन सकते हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे इसमें कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जिनको आपने फॉलो करना ही है। कि सबसे पहले मैंने बताया था कि 9th से लेके 12th तक के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट करें, वो 9th के, 10th के, 11th के और 12th के। फिर रजिस्ट्रेशन करनी है, जैसे मैंने प्लेटफॉर्म आपको बता दिए, माई गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाके पार्टिसिपेट नाउ को आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी है, फैसिलिटी है कि आपके पास नेट है, मोबाइल है, तो आप डायरेक्टली इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ये, जैसे अभी हमारे एक टीचर, डिटेल्स मेरे पास नहीं है, सुजीत सर बताएंगे, हमारे सर ने पूछा कि कैसे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास ये फैसिलिटीज नहीं है, तो वो अपने टीचर्स के थ्रू इसमें रजिस्टर करेंगे। उसमें एक ऑप्शन है लॉग इन थ्रू टीचर, तो उसको क्लिक करेंगे, आपके टीचर के मोबाइल से वो बच्चा जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएगा उनकी ईमेल के जरिए। एक ही थीम को अटेम्प्ट करना है, जो 5 थीम्स हैं बच्चों की, उसमें से बच्चा एक ही थीम पार्टिसिपेट कर पाएगा। अलग अलग थीम्स को मत अटेम्प्ट कीजिए। जो आप अभी भी, आपके पास 14-15 दिन है, अभी भी आप 2-4 दिन लेके बैठ के, इसमें मैं आपको एक सजेशन जरूर देना चाहूंगा कि कोई भी ऐसा टॉपिक मत चुनिए, टॉपिक बोल रहा हूँ, कोई भी ऐसी बीच में चीजें मत लिखिए जो आपको लगता है कि आउट ऑफ द वे है। जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों ने बोल दिया कि हमारे पास 4G नहीं है जी, हमें 4G दे दो। ये कोई सजेशन नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है। प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में बहुत है, हमें प्रॉब्लम्स रेज करनी है, हमें उन प्रॉब्लम्स का हल क्या हो सकता है अगर हम वो बता पाए, और कैसे हम सोसाइटी एज ए वन यूनिट बनके उसको सॉल्व कर सकेंगे, उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, कैसे मैंने किया, जैसे आप कोई इनोवेशन अपने लोकल
जैसे हमारे यहाँ लोकल फॉर वोकल चल रहा है, वोकल फॉर लोकल चल रहा है सॉरी, फिर हमारा आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी इनोवेशंस को प्रोजेक्ट किया है, वो आप कर सकते हैं। तो ऐसी सजेशन दे जिसका बेनिफिट आगे, क्योंकि ये जब आप कंटेंट लिखते हैं तो ये कंटेंट डायरेक्टली यूनियन मिनिस्ट्री के पास जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो इसको पूरा गो थ्रू करते हैं और उसमें से जो अच्छी अच्छी चीजें हैं निकालते हैं और फिर उसको इंडिया लेवल पे, पैन इंडिया लेवल, नेशनल लेवल पे यूज किया जाता है। तो मेरी आपसे सजेशन है कि जो आपके अंदर कलाकारी है उसको दर्शाने का आपके पास समय है, दूरदर्शन जरूर दिखाएं। जी सुरेंद्र सर, कुछ और भी प्रश्न हैं और कुछ लोग जुड़े हैं उनकी बात करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में जी 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 सर, जी सर। कृष्णा जी के कुछ और तजर्बे हम सबसे साझा कर लेते हैं, उसके बाद कुछ और प्रश्न आए हैं वो भी हम लेंगे और आपकी जो बातचीत है वो भी। कृष्णा, फिर आप दिल्ली चले गए, दिल्ली में कुल कितने दिन बिताए और किस किस प्रकार आप वहां रहे हैं ये भी सबसे साझा करिए। ये सब बताने का हमारा एक उद्देश्य ये है कि बाकी के बच्चों में भी एक रुचि इस कार्यक्रम के प्रति जाग पाए, वे भी सोचें कि कृष्णा की तरह इस बार हमें भी कुछ ऐसा करना है कि अपने माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत करने का मौका मिल पाए। कृष्णा जी सर, दिल्ली का हमारा पूरा 3 दिन का रहा ये, जिस दिन ये था फंक्शन उस दिन और उससे एक दो दिन पहले, बस ये 2-3 दिन का हमारा पूरा ये रहा है दिल्ली का जर्नी। तो जिस दिन हम पहुंचे थे उस दिन तो एक जब हम एनसीईआरटी का जो कैंपस है वहाँ पे हमें लिया गया, वहाँ हम एनआईए गेस्ट हाउस में रहे और वहाँ सारे स्कूल्स के अलग अलग स्टेट्स के बच्चे जो थे सबको अलग अलग जो ब्लॉक्स थे वो अलॉट किए गए थे। तो हम लोग जो जम्मू कश्मीर के बच्चे थे उनको भी अलग एक स्लॉट जो था अलॉट किया गया था। तो वहाँ का पहले दिन का ये रहा हमारा कि वहाँ बहुत सारे बच्चे हमें दिखे, तो थोड़ा इंट्रैक्शन वगैरह हुआ सारे बच्चों के साथ, बातचीत वगैरह हुई और काफी कुछ पहले दिन ही हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर भी किया, एक दूसरे के बारे में जाना, वहाँ अलग अलग बच्चों से बातचीत हुई हमारी और बहुत कुछ सीखा पहले दिन हमने। फिर दूसरे दिन जब हमें पता चला, जब मुझे पता चला कि ऐसे मेरा क्वेश्चन जो है मुझे बोलना है, तो उसके लिए मेरा जो था वो पूरा दिन मेरा उसकी प्रैक्टिस के लिए हमें बुलाया गया था वहां पर। एक दिन पहले ही हमारा तालकटोरा स्टेडियम में हमें बुलाया गया था, उससे पहले हमारा एनसीईआरटी कैंपस में ही एक ऑफिस है जहाँ पर लेक्चरर्स वगैरह होते हैं वहाँ के, जो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनसे हमें ट्रेनिंग मिली कि किस तरह हमें अपना क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंट करना है, वो सब हमने सीखा वहाँ पे। फिर वो 1-2 घंटे की ट्रेनिंग थी, उसके बाद हमारा जो बाकी का दिन था वो पूरा तालकटोरा स्टेडियम में गुजरा, वहाँ पे हमने अच्छे से प्रैक्टिस की, वो पूरा रात के 11:30 तक हम वहाँ पर पूरा प्रैक्टिस किया हमने। और उसी दिन मुझे याद है, उसी दिन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, वो भी हमसे मिलने आए थे सारे बच्चों से जो वहाँ पे प्रश्न पूछने वाले थे बच्चे, उन सबसे मिले और सबको अपनी गाइडेंस दी सर ने। और उसी दिन हम फिर जब वापस गेस्ट हाउस पहुंचे तो अगले दिन सुबह सब लोग रेडी थे क्योंकि निकलना था, सबको इवेंट था। तो फिर सारे बच्चे गैदर हुए इकट्ठे, सबने ब्लेसिंग्स ली और सबने गुड विशेस दी मुझे कि अब जैसा भी रहेगा इवेंट बहुत अच्छे से करना। सब डायरेक्टर मैम ने स्पेशल मैसेज दिया था मैम के थ्रू मुझे, तो वो सब चीजें मुझे याद है। तो काफी मोटिवेशन मिली थी हर एक से, मैं ये भूल नहीं सकती, बहुत अच्छा लगा था और बहुत कॉन्फिडेंट भी थी उस दिन कि सब अच्छे से करके आऊंगी क्योंकि रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ पहली बार वो भी, तो सब अच्छे से करके आऊंगी और सबको प्राप्त कराऊंगी। तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गया उस दिन का भी। तो उस वक्त कैसा आपको, क्या तब आपको, आपकी सिलेक्शन हो चुकी थी जब आप कह रहे हैं कि डायरेक्टर मैम ने आपको, आपसे बातचीत की या सर, और जो चीजें कह रहे हैं, तब आपकी सिलेक्शन हो चुकी थी कि आप एकमात्र जम्मू की छात्रा है? उसी टाइम कॉल आया था एक्चुअली मैम को, जो बिंदिया मैम हमारे साथ थे जी। तो उनको कॉल आया था कि जम्मू कश्मीर से मेरा सिलेक्शन हुआ है क्वेश्चन के लिए। तो उसी टाइम जब हमें पता चला तो मैम ने मुझे बताया
तो सब बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश थी। तो कुछ ही समय बाद जब ये सबको पता चला कि ऐसे करिश्मा का सिलेक्शन हो चुका है, तो मुझे डायरेक्टर मैम ने गुड विशेस दी कि अब अच्छे से उनको बोलना कि अच्छे से परफॉर्म करे, जो भी है उनको क्वेश्चन वगैरह जैसा है वो एकदम कॉन्फिडेंट होकर बोले। तो गुड विशेस दी, और क्योंकि उनको पता चल गया था ये, तो उसके अगले दिन फिर ट्रेनिंग वगैरह का वो पीरियड रहा और फिर इवेंट। डायरेक्टर मैम एक एक बच्चे से जुड़ी रहती हैं, चाहे वो जिस तरफ भी निकला हो। जी सर, जी इसी सर, प्रकार एक बहुत एक टीचर से अमेजिंग भी। है सर। जी, हाँ सर, ये वाकई अमेजिंग है, बहुत हैरान करने वाली चीजें हैं ये डायरेक्टर मैम की। खैर, उनसे हम भी प्रेरणा लेते हैं, कोशिश करते हैं कुछ कर पाए उनकी तरह का। और हमारे बच्चे बहुत इज्जत रख रहे हैं हमारी इसी फील्ड में, शायद ये प्रोत्साहन उन्हीं की ओर से है, उन्हीं की पॉजिटिव वाइब्रेशंस, उनकी सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल का सर। संचार जो हर जगह हो रहा है, और टीचर्स में भी और स्टूडेंट्स में भी। तो फिर आपसे आगे की थोड़ी सी बातचीत और करेंगे, लेकिन प्रश्न आए हैं, कुछ लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग एरियाज के, मैं उनके भी थोड़े से नाम ले लूं, ये देखना जरूरी है कि कितने एरियाज के लोग जुड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कई डिस्ट्रिक्ट्स के लोग जुड़े हुए हैं। मैं फिर से विनती करता रहूंगा सब साथियों से कि इस वीडियो को काफी शेयर करिए ताकि ये ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चमनलाल जी जुड़े हैं, अंजना जी जुड़े हैं, स्नेहा जी जुड़ी हैं, अशोक कुमार शर्मा जी जुड़े हैं, मीना खजूरिया जी, मोनिका खोसला जी, बनारसी शर्मा जी, सबर हुसैन जी, सुप्रिया जी, दिव्या ज्योत, ये कोई आपकी पुरानी पहचान वाली हैं। सुरेंद्र सर ये कह रहे हैं कि बहुत देर बाद आपको देखा। अलका शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, पूनम लंगे आपकी प्रिंसिपल, करिश्मा जी, बलबीर राज जी जुड़े हुए हैं, वीना कौल रैना जी जुड़ी हुई हैं, स्नेहा राधा जी जुड़ी हुई हैं, सुशील कग्याल जी जुड़े हुए हैं, सुरेश ललोत्रा जी जुड़े हुए हैं, स्वर्ण सिंह कोहस्तानी जी, गुलनाथ चौहान जी, विनय शर्मा जी, बहुत सारे लोग अलग अलग एरियाज के, प्रणीता कपूर जी, वे भी उसी बात की। हाँ, प्रणीता कपूर जी का बहुत अच्छा एक सुझाव है सब अध्यापकों के लिए कि दूरदराज इलाकों में, ये सुरेंद्र सर ने भी कही थी बात, जहां नेटवर्क नहीं है, प्रणीता कपूर जी बहुत अच्छी बात ये कह रही हैं, तो वहां टीचर्स को चाहिए कि वे खुद भी उत्साहित रहें और अपने बच्चों को और तरह से हेल्प, क्योंकि वहां ज्यादा जरूरत है बच्चों को हेल्प की, तो उनकी मदद करें। और किसी ना किसी प्रकार जब सोचेंगे तो कर ही लेंगे हम, तो उन्हें प्रोत्साहित भी करें और उनकी ओर से रजिस्टर जैसे उन्हें उन्होंने करवाना है अपने आप को परीक्षा में, चर्चा की इस गतिविधि में, तो हेल्प करें उनकी, अच्छी बात है टीचर्स के लिए। और वाकई सब टीचर्स अगर सोचेंगे कि हमने ज्यादा से ज्यादा बच्चों को रजिस्टर करवाना है तो हो जाएगा। इस वीडियो को बहुत शेयर करिए, कॉल्स करके भी अपने साथियों से कहिए, बच्चों से कहिए, अभिभावकों से कहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज के साथ जुड़े। ये सांकेतिक है, इससे जो एग्जामिनेशन का प्रेशर है बच्चों पे उसको कम करने की कोशिशें की जा रही है। सुरिंदर सर, मैं एक प्रश्न आपके साथ फ्लोट करना चाहूंगा। चमनलाल जी पूछते हैं कि किस किस भाषा में ये एसेज, निबंध लिखे जा सकते हैं, किस किस भाषा में? सांबा से हैं चमनलाल जी। सर ये जी जी सर, इसमें जो जानकारी है उसके हिसाब से हम हिंदी और इंग्लिश में जो है दो भाषाओं में अभी तक सबमिट करते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं है कि बाकी भाषाओं की डिटेल्स यहाँ पे है, लेकिन अगर कुछ और अपडेट होगा तो हम ये डायरेक्टोरेट की वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे कि बाकी भाषाओं में भी लिख सकते हैं। जी जी, जी जनरली मतलब सभी हिंदी टीचर्स, और इंग्लिश में बिल्कुल बिल्कुल, जी सर। सभी टीचर्स और अभिभावक हमारी वेबसाइट के साथ जुड़े रहें। आपके कहने का ये अर्थ हुआ कि हमारी वेबसाइट के साथ जी सर, जुड़े रहें, बिल्कुल कोई भी बिल्कुल अपडेट हुआ तो वहां उन्हें वो दिख जाएगा। जी, तो कुछ इंफॉर्मेशन क्या रह गई है परीक्षा पे चर्चा को लेकर सुरेंद्र सर, हाँ सर, मैं या इसमें हम? थोड़ा सा जरूर ये ऐड कर दूं, जी हमने ऑलमोस्ट इसमें कवर कर दिया है। एक जो जी टीके थ्रू लॉगिन है, अब ये हमारे टीचर्स को शायद ये किसी ने ये सवाल पूछा नहीं, तो मैं इसका खुद ही जवाब देता हूँ जी कि टीचर्स ये पूछ सकते हैं कि हम कितने बच्चों को एट ए टाइम लॉग इन करवा सकते हैं। तो जी टीचर्स के लिए ये बिल्कुल ओपन है, वो जितना चाहे जितने बच्चों को भी लॉग इन करवाना चाहे एट ए टाइम,
वो करवा सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की एंट्री सक्सेसफुल सबमिट होने के बाद ही दूसरे बच्चे को सबमिट कर पाएंगे, ये एक कंडीशन है। ऐसा ना हो कि पहले बच्चे को रजिस्टर करवाने जाए, वो किसी कारणों से नहीं उसकी एंट्री सबमिट हुई, तो दूसरे बच्चे का रजिस्टर कराना मुश्किल हो जाएगा। तो एक कंप्लीट हो जाएगी रजिस्ट्रेशन, तभी हम दूसरे बच्चों को रजिस्टर करवा पाएंगे। लेकिन ये ऑप्शन है कि एक से ज्यादा बच्चे जो है एक टीचर के द्वारा रजिस्टर करवाए जा सकते हैं। सर जी जी जी, तो ये भी जानकारी बहुत अच्छी की दी आपने कि एक या एक से ज्यादा जितने भी बच्चे एक टीचर के द्वारा रजिस्टर हो सकते हैं, एक बच्चा रजिस्टर हो जाए तो दूसरा इनिशिएट किया जा सकता है। ये सब अध्यापक ध्यान से सुने और कृपया सब बच्चों को इसमें शामिल करें। क्या पता कौन से बच्चे में कौन सी कैसी प्रतिभा हो और वो आगे बढ़ जाए, उसका हौसला बढ़ जाए। जैसे आज हम करिश्मा जी से बातचीत कर रहे हैं, इनका कितना हौसला उस वक्त बढ़ गया होगा वो भी इनसे हम पूछेंगे, क्योंकि सक्सेस रेट जो लाइफ में होते हैं वही आदमी का हौसला बढ़ाते हैं। करिश्मा जी, कितना किस प्रकार की फीलिंग्स जब आपको पता चला कि जम्मू कश्मीर से एकमात्र जो बच्चा है प्रधानमंत्री जी से बात करने वाला वो आप हैं, आप स्वयं हैं, तो आपको कैसा अनुभव हुआ होगा और आपका हौसला, आपका साहस किस प्रकार बढ़ गया होगा, किस प्रकार वो चरमोत्कर्ष तक पहुंच गया होगा? करिश्मा जी। सर, जब ये पता चला तो पहले तो थोड़ा सा नर्वस लग रहा था, जब पता ही चला था, क्योंकि खुशी तो थी पर ये भी था कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको रिप्रेजेंट करना है जम्मू कश्मीर को, तो थोड़ा डर भी लग रहा था उस टाइम पे, पर ये भी था कि नहीं करना है, अच्छे से करना है। पर जिस तरह से अपने स्कूल के टीचर्स ने, अपने प्रिंसिपल मैम ने और डायरेक्टरेट की तरफ से जितने भी लोग थे सबने जिस हिसाब से इतना कॉन्फिडेंस डेवलप किया मेरे अंदर, तो उसकी वजह से तो फिर मुझे डर लगा ही नहीं। मतलब जिस दिन मेरा इवेंट था उस दिन तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी कि नहीं, आज तो बहुत अच्छा होगा सब, कोई टेंशन नहीं है, एकदम संतुष्ट थी कि नहीं अच्छा ही होगा जो भी होगा, कोई वो डर नहीं था कि नहीं कि गलत ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए, तो कुछ वैसा नहीं था, क्योंकि ये सब चीजें जो है, जो आपको आपके आसपास जितने भी लोग हैं जब आपको कॉन्फिडेंस देते हैं तो आप एंड में अच्छा ही करते हैं, ऐसा नहीं है, सबने इतना मोटिवेट किया कि फिर डर लगा ही नहीं और बस कर लिया सब अच्छे से। बहुत बहुत बढ़िया। तो जिस वक्त आप प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के सामने थी, आमने सामने थी, तो उस वक्त कैसा लगा होगा आपको, देश के सबसे बड़े प्रतिनिधि के साथ आप बात कर रही हैं, उस वक्त कैसा लगा होगा आपको? मैं एक चीज ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ, ये मैंने पहले भी बोली है कि मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से बात कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं लगा ऐसा, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने स्टार्टिंग से ही एक बनाकर रखा बच्चों के साथ, जब वो पहले ही आए स्टेज पे तो उन्होंने ये लाइन बोली कि ऐसा समझिए कि मैं आपका दोस्त हूँ, एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आप मुझे ना देखिए, तो वो बात कहीं ना कहीं ऐसे हमारे दिमाग में बैठ गई, और उसके बाद तो फिर मतलब हमें लगा ही नहीं कि हम किसी प्राइम मिनिस्टर से, अपने अपने देश के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे हैं, एक फ्रेंड के तौर पे, एक बोल सकते हैं कि एक गार्जियन के तौर पे हमने उनसे बात की, और बहुत अच्छा रहा वो पूरा टाइम, बिल्कुल ऐसा डर नहीं था। इनफैक्ट जब मैं क्वेश्चन भी उनसे पूछ रही थी तो मुझे बिल्कुल डर नहीं था कि नहीं मैं क्या पूछने वाली हूँ, क्योंकि हम इतना फेमिलियर हो चुके थे इतने कम टाइम में, तो ये उनकी खासियत है सर। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया जानकारी है आपने दी। अभी आप क्या वो प्रश्न भी यहाँ रिपीट करना चाहेंगी जो प्रश्न आपने वहां उनसे पूछे थे और उन्होंने उत्तर क्या दिया था? पहले आप प्रश्न बताइए, उसके बाद आप उत्तर बताइए। जी सर, मेरा यही प्रश्न था कि आपके एग्जामिनेशन टाइम में आपके पेरेंट्स आपको बहुत कभी कभी प्रेशराइज तो करते हैं, मतलब ये हर एक के साथ होता है कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि इतने मार्क्स आने ही चाहिए, अच्छे मार्क्स आने चाहिए आपके, और अच्छे से पढ़ाई करो, तैयारी करो, ये सब, तो उस सब प्रेशर को कैसे आप टैकल कर सकते हैं? एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो उन सब सिचुएशंस में आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है, तो उन सब सिचुएशन को आप हैंडल कैसे करोगे? एक स्टूडेंट के लिए जाना बहुत जरूरी हो जाता है आजकल तो, हर एक बच्चे के लिए, तो ये क्वेश्चन मेरा था। और उन्होंने जो पहली लाइन बोली थी आंसर में वो यही बोली थी कि ये जो प्रश्न है वो आप लोगों के लिए नहीं है, आपके माँ बाप के लिए है, तो
वो बोलना ये चाहते थे कि ये आपके माँ बाप को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों को प्रेशर नहीं करना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस दो, उनको जो करना है उनको वो करने दो, वो अच्छा ही करेंगे, बस उनको सही रास्ते में गाइड करो आप कि जो जिस काम को करने का उनका जी करता है उनको वो करने दीजिए अगर वो सही है, और अगर गलत है तो उनको रोकिए। ऐसा नहीं है कि उनको करने दीजिए अपनी मनमर्जी का, पर अगर कोई काम वो सही कर रहे हैं तो उनको अपनी मर्जी से करने दीजिए, वो बहुत आगे जाएंगे उस चीज में। तो कभी उनको प्रेशर नहीं करना चाहिए कि इतने मार्क्स आने चाहिए आपके, ये सब बच्चे आजकल वैसे ही बहुत समझदार होते हैं, तो उनको थोड़ा सा गाइड कर ले तो फिर वो बहुत आगे जाते हैं। तो उनका कहने का मतलब यही था कि उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, जो आजकल बहुत पेरेंट्स करते हैं। आजकल ही नहीं, हम भी समझदार हुआ करते थे अपने जमाने में कृष्ण। तो खैर, हर कोई जानता है कि मुझे किस तरफ जाना है, तो ज्यादा प्रेशराइज करके उसे वाकई डिरेल कर दिया जाता है, और हाँ सर, प्रेशराइज जब किया जाता है तो वो अपने काम ढंग से नहीं कर पाता। तो उससे अच्छा इंस्पायर करिए, प्रेशराइज करने से अच्छा उसको इंस्पायर करिए, जो काम वो कर रहा है वो किस प्रकार करे, उसके सहयोगी बनिए। ये बातें आजकल हो रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये सब बातें हो रही हैं। एक और बात मैं जानना चाहूंगा करिश्मा, कि ये कार्यक्रम जब आपने अटेंड किया, पूरा पूरी प्रोसेस हो गई, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करके आप वापस लौटे हैं, तो पहले वाली करिश्मा और बाद वाली करिश्मा में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिले? क्योंकि मैं जानता हूं आप पहले भी एक होनहार बच्ची थी, बहुत सारे आपने ऐसे काम किए हैं जो टीचर्स भी कर रहे थे और आप भी साथ में कर रही थी उन दिनों में जब लॉकडाउन था, उस दिन उन दिनों में भी और उससे पहले भी। तो दोनों बार मैंने आपके कामकाज देखे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलने के बाद भी और पहले भी। तो किस प्रकार का फर्क जो आपको खुद लगा कि पहले वाली करिश्मा और नई करिश्मा में क्या क्या फर्क है? सर जो मुझे खुद में फर्क लगा वो ये था कि पहली वाली करिश्मा में कॉन्फिडेंस लेवल अगर यहाँ तक था, अब वाली करिश्मा में यहाँ पर है, तो हाँ कॉन्फिडेंस लेवल मेरा बहुत इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो प्यार सबसे मिला वो बहुत बहुत अच्छा लगा, ये सब देखकर कि इतने सारे लोगों ने प्यार दिया। तो जरूरी है कि इन सब चीजों से आपका कॉन्फिडेंस तो बहुत बूस्ट हो जाए, हो ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको प्यार करते हैं। कि कुछ मैंने इतना कोई बड़ा काम तो नहीं किया है, पर जो भी किया है लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये चीजें मैं याद रखकर कि ये चीजें मुझे और इम्प्रूव करनी है, जो चीजें मेरे अभी कमी है उनको भी इम्प्रूव करना है, ये सब चीजें। तो मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हुआ है, जो मेरा पहले था उससे डबल कॉन्फिडेंस अब हो गया है। अब मैं और अच्छे से अपनी जो भी काम करूं वो उसमें और मेहनत और डेडिकेशन के साथ वो काम करती हूँ। बहुत बढ़िया जानकारी, मेरे ख्याल से काफी अच्छा हमारा आज का ये कार्यक्रम हो चुका है। उम्मीद है अच्छा ही हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़े रहे हैं, दूर दूर से जुड़े हुए हैं, और साथ में प्रश्न भी बहुत आए हैं। मैं एक बार फिर से विनती करूंगा सब साथियों से कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अलग अलग ग्रुप्स में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स जो ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें भी शेयर करें, क्योंकि ये ऑफिशियल जानकारी है जो हर बच्चे तक, हर टीचर तक, हर पेरेंट तक पहुंचनी चाहिए। और यूं भी हम व्यक्तिगत तौर पर भी हर टीचर, हर बच्चे से मिले, हर अभिभावक से मिले, संपर्क साधें और उन्हें कहें कि परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेना ही लेना है। इससे जागरूकता फैलेगी, जैसे आपने आज करिश्मा बेटी को सुना किस प्रकार वे कह रही हैं कि उनका एक तो जो हौसला है वो यहाँ से यहाँ, कॉन्फिडेंस चला गया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। साथ में क्या पता कौन से कोने में, दूर दराज के बच्चे, कौन से कोने में कौन सा बच्चा इस वक्त भी बैठा हुआ हो जो ये जानकारी नहीं रखता कि इस कार्यक्रम में कैसे हिस्सा लेना है, लेकिन उसमें ऐसी सब योग्यताएं हैं कि वो इस कार्यक्रम का एक विशेष हिस्सा बन सके। तो ये हमारा फर्ज बन जाता है, खासतौर से अध्यापकों का ये फर्ज बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि उन बच्चों के लिए एक तार, एक माध्यम बनकर, जैसे डॉक्टर सुरेंद्र जी ने एक बारीकी से एक एक बात समझाई है, उन बातों पर चलते हुए बच्चों को हम इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाने में सहयोग करें। और प्यारे साथियों, सर आपके संपर्क में आपकी जान, सुरेंद्र सर और कुछ कहना चाहते हैं? जी सुरेंद्र सर, सुरेंद्र हाँ सर, मैं सर, हमने हमने शायद सर हमने शायद इन इन बातों में ये इतना ही जोर दिया कि ये इवेंट उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे टीचर्स के लिए भी। टीचर्स भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि पहली बार ये ओपन हुआ है। बच्चों के लिए तो हर साल ओपन होता है, लेकिन इस बार टीचर्स और पेरेंट्स भी हैं। तो जब आप जी आ
पीटीएम अभी हमारी ऑर्गेनाइज हुई तो वहां पे ये इन्फॉर्मेशन पता नहीं शेयर हुई है या नहीं, लेकिन आगे बच्चों के जरिए उनके पेरेंट्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन को पहुंचाएं और हमारे टीचर्स भी इसमें लार्ज नंबर में पार्टिसिपेट करें, अपनी एंट्रीज जो है वो सबमिट करें बाय 14th of March, ताकि हमारी स्टेट से, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हर इवेंट में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो नंबर वन पे रहता है। पीछे हाल ही में हमारी आपने देखा ही है कि फिट इंडिया मूवमेंट में जम्मू कश्मीर नंबर वन, कला उत्सव में हम लोग नंबर वन, तो हर एक चीज में नंबर वन तो हम है ही, तो उसी को मेंटेन करेंगे। तो लार्ज नंबर में सबसे पहला प्रोसेस ही रजिस्ट्रेशन का है, तो लार्ज नंबर में रजिस्ट्रेशन करके ताकि ज्यादा से ज्यादा एंट्रीज हमारे पास आए और हम यहाँ से ज्यादा उन 2000 में से, क्योंकि 2000 ऑल इंडिया का है, ये देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर का नहीं है, 2000 लोग जो है ओवर ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने इस कंटेस्ट के लिए चुनने हैं, तो उन 2000 में कम 1000 जो है वो जम्मू कश्मीर के होने चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। जी सुरेंद्र जी, बहुत बारीकी से आपने ये जानकारी दी है, वाकई काबिले तारीफ है, जिस बारीकी से आपने जानकारी दी उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। मुझे लगता है कि सब लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई है। और प्यारे बेटे करिश्मा, आपने जिस प्रकार अपने सारे तजर्बे साझा किए हैं वो भी बहुत ही नायाब तरीके से, सबको लाभ होगा उसका, और ऐसा लगता है कि हर एक कोई जैसे होकर आया है वहां से, इस प्रकार आपने भी आज अपने तजर्बे साझा किए हैं। तो ये तो प्रोग्राम स्पेशल प्रोग्राम था एक परीक्षा पे चर्चा के लिए, ताकि बच्चों तक ये सारी इंफॉर्मेशन हम पहुंचा पाए। प्यारे साथियों, और भी किस किस प्रकार के आप प्रोग्राम चाहते हैं, किस प्रकार की डिस्कशंस चाहते हैं, या किस आदमी से बातचीत हम करें इस पेज पर आप चाहते हैं, वो जरूर संपर्क करें। इस पेज के इनबॉक्स में जाकर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कल्चरल सेल का नंबर आपके पास है, काउंसलिंग सेल का नंबर आपके पास है, किसी भी प्रकार आप हमसे संपर्क करना चाहें कर सकते हैं, किसी कमेंट बॉक्स में, इसी पेज के किसी कमेंट बॉक्स में भी जाकर आप बता सकते हैं कि इस प्रकार की डिस्कशन, इस प्रकार की बातचीत आप इस पेज के माध्यम से सुनना चाहते हैं, या फलां 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 बंदे से, फलां बच्चे से, फलां टीचर से आप बातचीत इस पेज के माध्यम से सुनना चाहते हैं। हम आपकी सब राय सर जी जी सुरेंद्र सर, इसमें मैं ये भी सबसे ये अनुरोध कर देता हूं कि अगर आपको हमारी वेबसाइट पे जाने में परेशानी हो रही है तो हमारी ये सारी डिटेल्स जो है आओ बात करें हेल्पलाइन भी आपको मिल सकती है, वो उसके थ्रू भी ले सकते हैं जो 6006800068 है, उसके ऊपर ऑलरेडी ये डेटा सारा अवेलेबल है, इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहां पे भी कॉल करके ये सारी इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है सर जी। आओ बात करें नंबर फ्लोट हुआ है हर जगह, सबको ही जानते हैं, वहां से भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मुझे पता है कि आजकल बहुत सारे टीचर वेबसाइट खोल रहे हैं, तो कृपया दूसरों को भी उत्साहित करिए इस बात के लिए कि वेबसाइट खोलिए, वो बहुत अच्छी जगह है जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्टरेट की मिल जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमेशा जुड़े रहिए। ये पेज आपका है, डायरेक्टरेट आपका है, डायरेक्टरेट पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम कर रहा है, उनके बच्चों के लिए, उनके अध्यापकों के लिए, उनके अभिभावकों के भले के लिए, ये सारी चीजें उनके लिए हो रही है। तो आपकी राय सर आंखों पे हर वक्त, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।